भगवान सुमतीनाथ पद्म प्रभ सुपाशनाथ ने चंद्र प्रभ भगवान सुमतीनाथ की कथा बहु अद्भुत छे। जेने सारी मती जोईती होय, जेने सारी बुद्धि जोईती होय, ए बिल्कुल चुप थई जाते। जे बोलसे एनी बुद्धि जती रहेशे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। पूज्य पाठ आचार्य भगवान जयसुंदर सुरेश्वर जी महाराज ना श्री मुखे भगवान सुमतीनाथ नु नाम सुमती केम पड्यू एनी सरस रसप्रद स्टोरी सा। भगवान सुमतीनाथ नी अद्भुत कथा पूज्यपाद आचार्य भगवंते वर्णवी। छठा भगवान नु नाम बोलो, छठा भगवान, भगवान नु नाम पद्म प्रभ केम पड्यू। माता छठा पद्म प्रभ स्वामी कौशाम्बी नगरी में राजा श्रीधर की पत्नी सुषिमा महावत छठना मंगल दिवसे आ परमात्मा नो आत्मा त्या पधार्यो। दिवसों पसार थई रह्या छे अने एक धन्य दिवसे माता ने दोहलो थयो। खास बहनों ने सांभळवानो, उत्तम आत्मा ज्यारे कुक्षीमां आवे छे त्यारे उत्तम दोहला थता होय छे। अने भाईओ ए सांभळवानुं छे, एना उत्तम दोहला तमारे पण शुं करी आपवाना पूरा। प्रभुनी माताने उत्तम दोहलो थयो के मारे डनलोकनी गादी पर नहीं, कमळना फूलनी पथारी पर शयन करो। मसरूण गालीचा पर सुनारा माताने जारे आस दोहलो थयो, राजा श्रीधर ने समाचार मळ्या। अने ज्यारे ऋतु नहोती तो कमळ लाववा क्यांथी, राजा चिंतामां छे। दोहलो पूरो न थाय तो नुकसान गर्भने थाय, जुओ त्रण लोकना नाथ देवाधिदेव छे, आ मेसेज ऊपर क्यां पहोंच्यो? देवलोकनी अंदर। अने देवता होय कड़ीना छठा भागमां कमळनी पथारी पाथरी आपी, माता मसरूण गालीचाने छोड़ी कमळना शयन पर सूता दोहलो पूरो थयो। माताने आनंद थयो, 9 महीना पूरा थया, प्रभुनो जन्म थयो। अने कमाल, एक नामनी पाछळ 3 कारण छे। नंबर 1, माताने पद्मनी सैयामां कमळनी सैयामां सुवानुं मन थयुं। नंबर 2, पद्म एटले कमळ, कमळनो वर्ण केवो होय? रातो लाल आछो, तो भगवाननो देह पण केवो हतो? लाल। बोलो छो चैत्यवंदन मां पद्म प्रभ ने वासु पूज्य आपे, अने भगवान नो देह पण पद्म जेवी सुगंध ने धरावनारो होवाथी ज्यारे जन्म थया पछी नामकरण नो प्रसंग आव्यो त्यारे नाम शू पाडवामां आव्यो? पद्म प्रभ। बोलो पद्म प्रभ स्वामी भगवान की जय। सातमा भगवान कोण छे? सुपाशु। वाराणसी नगरी नी अंदर राजा प्रतिष्ठ अने पत्नी नु नाम छे पृथ्वी। भादરવાવદ 8મના દિવસે પૃથ્વીની કુક્ષીમાં પરમાત્મા પધાર્યા છે। પ્રભુ જ્યારે ગર્ભાવસ્થામાં છે, સમય આગળ વધી રહ્યો છે, અને એવા સમયે માતા પૃથ્વી રૂપાળા છે। માતા પૃથ્વીનો દેહ અત્યંત સ્વસ્થ અને સુસ્થ છે, પ્રત્યેક અવયવો સપ્રમાણ છે। પણ કુક્ષીમાં જ્યારે પ્રભુ પધાર્યા એના પ્રભાવે માતાનો દેહ, માતાના બે બાજુના પડખા વધારે સુંદર, વધારે તેજસ્વી, વધારે દેદીપ્યમાન થયા। માટે જન્મ થયો ત્યારે માતા પિતાએ ભેગા મળી નક્કી કર્યું, પડખા એટલે પાર્શ્વ, સંસ્કૃતમાં પાર્શ્વ એટલે પડખા, એ બંને સુંદર થયા। માટે દીકરાનું નામ શું પાડવામાં આવ્યું? સુપાર્શ કુમાર। બોલો સુપાર્શ્વનાથ।